हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रैश कोर्स। सो आज हम लोग सेकंड लेसन करते हैं साइंस का, एनसीईआरटी 6 साइंस। ये आपको पता है कि हमारा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, जहाँ पे हम लोग सारी जो एनसीईआरटीस हैं, सभी एनसीईआरटीस का करने वाले हैं। पूरा हम लोग करके देंगे, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th जो एनसीईआरटीस हैं। एनसीईआरटीस में साइंस, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। सो गाइज, आज हम लोग सेकेंड लेसन करेंगे, डेट इज एनसीईआरटी 6 का सेकेंड लेसन, डेट इज कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। सो गाइज, कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड सेकेंड लेसन है। अभी हम लोग ने फर्स्ट लेसन में सीखा कि फूड एंड द फ्रॉम वेयर डज इट कम फ्रॉम, मीन्स हमारा जो फूड होता है वो कहाँ से आता है। तो हम लोग ने देखा कि जो फूड होता है उसके बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, प्लांट सोर्स होते हैं और एनिमल सोर्स होते हैं हमारे फूड के। अभी हम लोग सेकेंड लेसन में देखने वाले हैं कि जो हमारा फूड है उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स में कुछ चीज़ें होती हैं जिसको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो क्या है, उसको ही कॉम्पोनेंट होते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अभी जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें हम लोग दाल, राइस, चपाती, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं खाने के लिए। जो लोग नॉनवेज खा रहे हैं वो लोग फिश, करी, ऐसी चीज़ें ये भी खा रहे हैं, बटर, चीज, कर्ड, पिकल। वेज में हम लोग खा रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग खाने में खाते हैं। अभी आपने कभी सोचा है कि ये जो हम लोग इतना खाना खाते हैं तो उसमें हम लोग डेली कुछ अलग अलग खाते हैं और बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होता कि डेली दाल ही खा रहे हो, ऐसा नहीं होता ना। कभी सब्जी खा लिया, कभी दाल हो गया, कभी दूध हो गया, ऐसा चलते रहता है, कभी कर्ड हो गया। तो ये डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स डेली खाने के लिए हमारे बॉडी को कुछ तो नेसेसरी होगी ना, बॉडी को इसकी ज़रूरत होगी तभी हम लोग खा रहे हैं। तो बॉडी को इसकी क्या ज़रूरत है, हम लोग ये लेसन में देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि जिससे बॉडी, जो हमारे बॉडी को चाहिए। व्हाट टू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, सो जो डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं वो क्या उसमें अंदर होता है, उसमें क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग को पता है कि हमारा जो फूड आइटम है वो प्लांट और एनिमल से आता है, उसके सोर्सेस होते हैं वो जैसे, और अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग रीजन्स में क्या होता है, अलग अलग टाइप के फूड हैबिट्स होती हैं। कहीं पे फॉर एग्जांपल आप देखिए, पंजाब में लोग मक्के की रोटी, राजमा खाते हैं। फॉर एग्जांपल आंध्रा में राइस और तुअर दाल लोग खा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे, फॉर एग्जांपल आप साउथ में जाएंगे तो लोग सांभर और फिश फास्ट खाते हैं ज़्यादातर, सांभर, राइस और फिश होती है। फॉर एग्जांपल आप नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ पे रोटी रहेगी ज़्यादा और लोग दूध घी पे ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। तो ये सब क्यों होता है, ऐसा रीजनल भी वेरिएड होता है, रीजन से भी फूड हैबिट वेरी होती है और हर जगह की उसमें अलग अलग कॉम्पोनेंट्स होते हैं। नाउ जो फूड होता है उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट लेसन में बताया है। तो उसमें क्या होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी को चाहिए होते हैं, जो हमारे बॉडी को जिसकी नीड होती है। दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, सो देर आर सम न्यूट्रिएंट्स विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी, दे आर नो दिस कंपोनेंट्स आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। नाउ द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन द फूड आर, जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और उसमें कुछ होते हैं वाटर। तो ये सब चीज़ें हमारे फूड में होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। अभी हम लोग जो फूड खा रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि इस फूड में कार्बोहाइड्रेट है, इस फूड में प्रोटीन है और फैट है। तो नॉर्मली हम लोग चेक तो नहीं करते, लेकिन हाँ, एक ऑलरेडी हम लोग को कुछ ना कुछ पता होता है कि इस फूड में, जैसे कि व्हीट में हमें पता है कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल में फैट होता है। तो ऐसे अभी यहाँ पे कुछ टेस्ट दिए हैं कि आपके फूड में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, आप टेस्ट कैसे कर सकते हो। टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए टू डू दिस टेस्ट वी नीड आयोडीन सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। We need these three things, solutions of these three. Now, take some food material, cooked food or the raw material. जो raw food होता है वो ले लीजिए या cooked food ले लीजिए, तो उसको हम लोग टेस्ट करेंगे। Now, test for carbohydrate. हमें पता है carbohydrate क्या होता है, carbohydrate is mainly present in the form of starch or sugar. जो carbohydrate होता है वो present होता है in the form of starch or
sugar. So what is the test for carbohydrate? Now the test for carbohydrate is, take a food item in a dish, a small amount of food item in a dish, and then add a dilute iodine solution, few drops of dilute iodine solution in it, and observe the color change. Now if the color change to blue black, then the starch is present. अगर कलर जो होता है वो ब्लू ब्लैक चेंज हो जाता है तो स्टार्च जो है वो प्रेजेंट होता है. इफ चेंज नहीं होता तो स्टार्च प्रेजेंट नहीं है. तो ये हमारा टेस्ट है किसका, स्टार्च का. क्या टेस्ट है कि फूड आइटम लो, उसमें डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन हमें फ्यू ड्रॉप्स पुट करना है और चेंज को, कलर चेंज को ऑब्जर्व करना है. अगर चेंज जो कलर हो रहा है वो ब्लू ब्लैक हुआ तो स्टार्च प्रेजेंट है और ग्लूकोज प्रेजेंट है, शुगर प्रेजेंट है, हम लोग बोल सकते हैं. नाउ देन सेकेंड इज द टेस्ट फॉर प्रोटीन. टू टेस्ट फॉर द प्रोटीन, टेक द स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड आइटम, इफ इट इन सॉलिड मेक इट इन पाउडर फॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब आपको पता ही होगा, आप लेबोरेटरी में अपने देख सकते हैं, कांच का होता है. और तो उसमें जो फूड आइटम हम लोग ने टेस्ट ट्यूब में लिया, उसमें हम लोग वाटर मिक्स करेंगे, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड शेक इट. 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर मिलाइए फूड आइटम में और शेक करिए. देन वी हैव टू ऐड द 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट. ऑलरेडी हम लोग ने बोला है कि कॉपर सल्फेट हमें चाहिए होता है, तो कॉपर सल्फेट यहाँ पे 2 ड्रॉप्स मिक्स करेंगे. फिर हम लोग 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा मिक्स करेंगे. क्या 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा. देन अगेन वी हैव टू शेक इट एंड वेट फॉर फ्यू मिनट्स. नाउ इफ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब चेंजेस टू violet, then it indicates that the protein is present. So once again I am telling, the protein, take the food item in a test tube plus 10 drops of water, shake it, add 2 drops of copper sulfate and add 10 drops of caustic soda and again shake it and wait for few minutes. If the color changes to violet, then protein present. Now the third test is for the test for fat. The test for fat is very simple. Food item, take the food item and place it in a paper. Place it on a paper and then wrap the paper and crush it. उसको crush करिए और यह paper में, उसके बाद आप paper उसको सीधा करिए और देखिए कि वहाँ paper में oily patch आया है क्या. और paper से आप transparent, पेपर ट्रांसपेरेंट हो गया है क्या, या और ऑयली पैच आया है और पेपर ट्रांसपेरेंट हुआ है तो फैट प्रेजेंट होगा. अगर ऐसा नहीं हुआ तो फैट प्रेजेंट नहीं होगा. यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जब भी इसका टेस्ट फैट का करें तो जो फूड है उसमें देखें कि वाटर ना हो, वाटर हो तो उसको ड्राई कर लें. यस, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा कि वाटर का पैच है या ऑयल का पैच है, इसीलिए इसको ड्राई करके टेस्ट करेंगे हम लोग. यस, सो वी हैव सीन द टेस्ट फॉर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, नाउ ये तो हम लोग ने देख लिया कि हमारे फूड में होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स. कुछ और न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक विटामिन्स होती हैं, मिनरल्स होती हैं. अभी हम लोग देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, इनके यूजेस क्या होते हैं बॉडी में. कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, मेनली एनर्जी प्रोवाइड करता है और फैट भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, बट फैट प्रोवाइड मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट. देयरफॉर फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स कॉल्ड द एनर्जी गिविंग फूड्स. फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड क्योंकि दोनों एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. प्रोटीन्स जो होता है वो हमारे बॉडी के लिए ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए उसकी नेसेसरी होता है. सो फॉर द और ग्रोथ, हमारे ग्रोथ और बॉडी के रिपेयर के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन. सो प्रोटीन्स आर नोन एज द बॉडी बिल्डिंग फूड. क्या बोलते हैं इसको, बॉडी बिल्डिंग फूड. नाउ प्रोटीन्स हेल्प इन, नाउ वी ऑलरेडी हैव लर्न अबाउट द प्रोटीन. नाउ विटामिन्स, सो विटामिन्स जो होते हैं दे हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट द डिजीजेस. ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं और जैसे हमारे आईज, बोन्स, टीथ, गम्स को सबको हेल्दी रखती हैं जो विटामिन है. विटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी एंड कीपिंग अवर आईज, बोन्स, टीथ, गम्स एंड हेल्दी. द
there are different kind of vitamins are there, that is vitamin A, B, C, D, E, K. So ऐसे बहुत सारी types की vitamins होती हैं. Now अलग अलग vitamin का अलग अलग function होता है. For example, vitamin E जो है, they are needed for keeping our skin and eyes healthy. और vitamin C जो होता है, वो किस लिए need होता है? To fight against the disease. Vitamin D helps the body to use the calcium. Helps body to use the calcium. Yes. तो ये various जो vitamins होती हैं, उनका अलग function होता है. Now minerals. Minerals जो होता है, वो भी हमारे body को चाहिए होता है. They are needed in our body in a very small amount. बहुत small amount में हमारे body को क्या चाहिए? Minerals. जो हमारे which is needed for the proper growth and the maintain of good health. So वो किससे necessary है? To maintain our good health और proper growth of body. हमारी health अच्छी हो और proper growth हो body की. तो इसलिए बहुत सारे minerals हमें चाहिए होते हैं. Now most of the food item contain more than one nutrient. अभी क्या होता है, बहुत सारे जो food होते हैं, हमने देखा कि कोई हमने test किया तभी कि carbohydrate, protein, fat. कभी कभी क्या होता है, एक ही food में carbohydrate भी है, protein भी है, fat भी है. लेकिन क्या होता है कि कोई एक जो अमाउंट रहेगा वो हाईएस्ट रहेगा, तो उस पर हम लोग डिवाइड कर देते हैं कि ये फूड मेनली क्या है. आई होप यू आर गेटिंग इट. नाउ फॉर एग्जांपल, राइस हैज द मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स. फर्स्ट, राइस इज अ कार्बोहाइड्रेट रिच. सो मैंने बताया ना कि एक फूड में दो से ज़्यादा, एक भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन कोई भी कोई एक न्यूट्रिएंट उसमें ज़्यादा होगा, तो हम लोग उसको उसके बेसिस पे उसको डिफाइन कर देंगे, क्लासिफाई कर देंगे कि ये कौन सा फूड टाइप का फूड है. फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ पे राइस का एग्जांपल है, तो राइस में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, तो राइस इज अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड. अभी तो हम लोगों ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स हमारे बॉडी को नीड होता है. बट देर आर अदर न्यूट्रिएंट्स अपार्ट फ्रॉम दिस. देर आर सच न्यूट्रिएंट्स सच एज द डाइट्री फाइबर और वाटर. अभी डाइट्री फाइबर क्या होता है और वाटर क्या होता है? डाइट्री फाइबर ऑल्सो नोन एज द रफेज, इसको बोलते हैं रफेज, विच इज प्रोवाइडेड बाय द प्लांट. मेनली हमें प्लांट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, सच एज द पल्सेस, पोटैटो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? रफेज. इसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता, इसमें रफेज डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रिएंट, बट इट इज नेसेसरी एंड एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ फूड एंड इट हेल्प्स us to get rid of undigested food. So dietary fibers जो है ये किस लिए, ये कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन हाँ, this is very necessary for our body, an important component of our food. This helps our body to get rid of undigested food and we get this dietary fiber from the plant sources, mainly from the plants. Then water, what is the function of water? The water helps in to absorb the nutrients from the food, to throwing the waste from the body in the form of sweat, urine. Yes, so therefore we have to drink more water. So water is also helps in throwing out the waste from the body. Now, so as we have learned, there are various types of nutrients are there which are needed for our body. Carbohydrate, proteins, fats, vitamins, minerals, dietary fiber, roughage, dietary fiber also known as roughage, and water. Now, हमें जो हमारा food होता है उसमें ये सभी components present होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि किसी एक nutrients की जब हमारे body में deficiency हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो हमें disease होंगे, जिसको बोलेंगे deficiency disease. So, for the proper maintenance of good health, our diet should have the all nutrients. So for proper health, our diet should consist of all the nutrients. Now, so such diet would consist of all kinds of nutrients known as the balanced diet. Yes. Now, and one thing important, eating a right kind of food is not enough. The food should also be cooked properly. जो फूड है उसको प्रॉपरली कुक किया जाना चाहिए, प्रॉपर वे में, बिकॉज
कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग फूड को कभी कभी ज़्यादा पका देते हैं, तो उससे फूड पकता नहीं, उससे फूड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है। वी हैव टू वॉश द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर कटिंग एंड पीलिंग देम। आप नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, उसको कट करके उसको हम लोग वॉश करते हैं, बट इससे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो विटामिन्स जो कुछ होते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो लॉस हो जाती हैं। सो टू अवॉइड दिस वी शुड वॉश द और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर कटिंग इट। और फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स नॉर्मली हम लोग कभी उसको कट करने के बाद वॉश करते हैं, लेकिन हमें पहले करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे उसके यदि हम लोग कट करने के बाद वॉश करते हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं वहाँ से, यस, वाटर के साथ। नाउ कुकिंग जो होता है, हमें कुकिंग भी एक प्रॉपर वे में करना चाहिए। कोई भी फूड ज़्यादा कुक नहीं होना चाहिए, किसी फूड में ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए, वाटर भी नहीं होना चाहिए, कि किस चावल में ज़्यादा पानी डाल दिया या दाल में ज़्यादा पानी डाल दिया, तो इससे क्या होता है कि जो फूड का जो न्यूट्रिएंट है वो लॉस हो जाता है। यदि हम लोग किसी फूड को ज़्यादा पका देते हैं, एक्सेसिव हीटिंग हो जाती है, तो उससे जो विटामिन सी होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो एक चीज़ हमें देखना होगा कि हम फूड को सिर्फ बैलेंस डाइट हम लोग नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो जो फूड है वो प्रॉपरली कुक हो रहा है, प्रॉपरली उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, यस। नाउ इट इज, हमें क्या काम करना चाहिए, कोई भी एक फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, कि सिर्फ फैट वाला फूड या सिर्फ प्रोटीन वाला फूड, कोई फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, सभी ऐसा फूड खाना चाहिए जिसमें ऑल द न्यूट्रिएंट्स हैं। वी शुड ईट सच काइंड ऑफ फूड इन विच ऑल द काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट। इफ यू आर गोइंग टू ईट फूड विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ फैट, सो इट विल लेड टू द ओबेसिटी, मतलब मोटापा आ जाता है। नाउ डिफिशेंसी डिजीज, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हमको ऐसा फूड खाना चाहिए जिसमें सभी चीज़ें प्रेजेंट हो। अगर कभी कभी होता है कि कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं प्रेजेंट होता, तो उससे हमें डिजीज होने लगती है, कोई एक पर्टिकुलर टाइप की, उस डिफिशेंसी की वजह से। उसको बोलते हैं डिफिशेंसी डिजीजेस, कि किसी की कमी की वजह से जो डिजीज हो रही है उसको डिफिशेंसी डिजीज बोलेंगे। नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए दिया है कि अब इफ अ पर्सन डज नॉट ईट अ डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो दे शुड दे आर मोर लाइकली टू हैव अ स्टंटेन ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज, डायरिया। सो द लैक ऑफ प्रोटीन विल लेड टू स्टंटेड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज एंड डायरिया, डेट इज द लैक ऑफ प्रोटीन। इफ देर इज अ लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो इट विल लेड टू द stopping of the growth of body and person become lean and thin and weak. So and there are also sometimes some vitamins and minerals are also deficient in our body. So इससे भी कुछ टाइप के डिफिशेंस होते हैं। To prevent all these deficiencies we have to take a food in a such way that it is balanced. So we have to take the balanced diet to avoid the deficiency disease. Now here the various types of vitamins and minerals and their deficiency diseases, what are the deficiencies there it is given. For example, vitamin A, the deficiency of vitamin A will lead to the loss of vision, blindness. Symptoms are poor vision, loss of vision, night blindness, aise bahut sari diseases ho jayenge hame vitamin A ki jab bhi hame डिफिशेंसी होगी, कमी होगी। और विटामिन B1 की हो जाएगी तो बेरी बेरी होगी, बेरी बेरी एक टाइप का डिजीज़ है, जैसे उसके सिम्टम्स होंगे जैसे कि वीक मसल, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, वीक मसल एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। विटामिन सी से क्या होगा, विटामिन सी की डिफिशेंसी होगी तो स्कर्वी, उसके सिम्टम्स क्या हैं कि जैसे कि ब्लीडिंग गम और कोई घाव हो जाएगा तो वो ज़्यादा टाइम लेगा हील होने में, ठीक होने में, और जो हमारे गम्स हैं वहाँ से ब्लड निकलता है, तो विटामिन सी की डिफिशेंसी से डिजीज होता है, इसको बोलते हैं स्कर्वी। नाउ विटामिन डी के डिफिशेंसी डिजीज होता है रिकेट्स होता है, जिसमें बोन्स होती हैं वो बेंट हो जाती हैं,
विटामिन, ये हमारे विटामिन हो गए। अभी कुछ मिनरल्स भी हैं जैसे कैल्शियम। इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी तो हमारा जो टीथ है और बोन है वो धीरे धीरे वीक होने लगेगा और डीके होने लगेगा। डीके मीन्स टू लॉस्ट स्लोली। और इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन देन द डिजीज विल दैट विल हैपन दैट विल बी गोइटर। गोइटर इट हैपन्स नॉर्मली इन द नेक। नाउ आयरन की डिफिशेंसी हुई तो एनेमिया होता है जिससे वीकनेस होती है। सो हमें ऐसा फूड लेना है जिसमें ऑल द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि एक भी न्यूट्रिएंट की डिफिशेंसी होती है तो हमें डिफिशेंसी डिजीज होंगे, जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, वी हैव कंप्लीटेड द सेकेंड लेसन ऑफ एनसीईआरटी साइंस 6th स्टैंडर्ड।